हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये वीडियोस बहुत स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टडी कर ली है, और जिन्होंने आज ही बुक उठाई है, कोई इशू नहीं। आप ये वन डे का प्लान देख लो अच्छे से, क्लियर। आपको एक दिन में इतना हेल्पफुल हो जाएगा ना ये वीडियो, इतना हेल्पफुल हो जाएगा, आप जब एग्जाम दोगे आपको मजा आएगी एग्जाम देने में। अगर आपने इस तरह से किया, अगर आपकी खुद की प्लानिंग है, आप सेल्फ स्टडी करते हो, तो आप ये लेक्चर मत देखो। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो कहाँ से स्टार्ट करनी है मुझे स्टडी और कहाँ पे एंड करनी है, और एग्जाम का लोड आ रहा है, काफी सारे सब्जेक्ट है, तो कोई इशू नहीं, मैं 3 सब्जेक्ट का आपका लोड कम कर सकता हूँ विद एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। आपका फाइनेंशियल अकाउंट, आपका बिजनेस अकाउंट एंड आपका इकोनॉमिक्स। अब विदाउट टाइम वेस्ट मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। किस तरह से करना है, सबसे पहले उठाएंगे हम फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है। मतलब फाइनेंशियल अकाउंट का अगर आपका कल एग्जाम हो रहा है तो आप इसको एक दिन पहले किसे प्रिपेयर करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखो, कंसाइनमेंट अकाउंट का सबसे पहले आपका चैप्टर आने वाला है एग्जाम में। कंसाइनमेंट अकाउंट का आपको इंट्रो पता होना चाहिए, तो जो स्टूडेंट्स पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता होगा, तो वो तो ये मत करना। लेकिन जो स्टूडेंट्स बुक ही अभी उठा रहे हैं वो कंसाइनमेंट का इंट्रो, ठीक है, मेरा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख लेना। अगर आपको वीडियोस नहीं मिल रही है प्लेलिस्ट में तो 9725714309 ये मेरा नंबर है, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करके हाई कर दो, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया, उसके बाद सबके सब इलस्ट्रेशन है वो आपको देखने हैं सिर्फ, ठीक है। अब आप हमारे पास इलस्ट्रेशन करने का मतलब इन एक एक इलस्ट्रेशन एक एक सम करने का टाइम नहीं बचा, अब जस्ट खाली देखने का और ओरल कैलसी में कैलकुलेशन करने का हमारे पास टाइम बचा है, ठीक है। तो अगर आपको इंट्रो पता है, ठीक है, तो आप सारे इलस्ट्रेशन जितने भी कंसाइनमेंट अकाउंट के इलस्ट्रेशन हैं वो एक बार नजर घुमा लेना। उसके बाद अब कंसाइनमेंट अकाउंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सी है जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहली पॉइंट आती है आपकी क्लोजिंग स्टॉक की, ठीक है। एक तो आपका इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालना है वो आप मेरे एक भी कोई भी वीडियो देख लोगे जिसमें मैंने इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकाला है, ठीक है, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, ठीक है। और स्टॉक जो है आपका क्लोजिंग स्टॉक, उसमें नॉर्मल लॉस आएगा तो किस तरह से क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, एबनॉर्मल लॉस आएगा तो किस तरह से निकालना है, और ये दोनों नहीं है तो नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं। ये तीनों कैटेगरी का क्लोजिंग स्टॉक आपको निकालना आना चाहिए। मेन पॉइंट क्लोजिंग स्टॉक की आती है। उसके बाद कमीशन और डेल क्रेडिट कमीशन की कैलकुलेशन सीख लो। बैड डेब्ट्स का इम्पैक्ट कब आएगा, जब डेल क्रेडिट होगा नहीं होगा, वो मैंने अच्छे से समय समझाया हुआ है। अब एक आधा वीडियो देख लेना, ऐसा क्वेश्चन उठा लो जिसमें ये पॉइंट हो और वैसा ही ना मेरा वीडियो देख लो, क्योंकि मैंने 32 सम अपलोड किया है, ठीक है, 32 सम कंसाइनमेंट के अपलोड किए, आपको वो एक आधा सम तो मिल ही जाएगा ऐसा जिसमें मैंने ये पॉइंट कवर की है, और बीआर का पॉइंट, और कौन से रिकरिंग खर्चे हैं कौन से रिकरिंग खर्चे नहीं है, और ये क्लोजिंग स्टॉक में क्या इंपैक्ट लाएंगे, सॉरी यहाँ पे ये क्लोजिंग स्टॉक में क्या इंपैक्ट लाते हैं, और एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल सॉरी नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल लॉस में ये क्या इंपैक्ट लाएंगे, ठीक है। तो ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपको कंसाइनमेंट में ध्यान देना है, ठीक है। अब हम आते हैं ज्वाइंट वेंचर पे। ज्वाइंट वेंचर पे आपको इंट्रोडक्शन के मेरे वीडियोस देख लो, और 4 मैंने वीडियोस अपलोड किए विद इंट्रोडक्शन, वो आप अच्छे से देख लेना। उसके बाद जितने भी सम बच रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स, उसमें जो सम आए एक्चुअली में जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है ना, ये 4 में तो वो आ चुके हैं, ठीक है। अगर ये 4 वीडियो देख भी लेते हो ना तो भी मैं आपको कहता हूँ, अगर एग्जाम में सम आता है ना तो 70% मार्क आपको मिल जाए। अगर सपोज 10 मार्क का सम आया तो आपको 6 से 7 मार्क तो पक्का मिल जाएंगे, मैंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया ये 4 वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ज्वाइंट वेंचर होता है कंप्लीट। अब हमारा आता है नेक्स्ट सब्जेक्ट, वो है बिजनेस अकाउंट। बिजनेस अकाउंट में आपका हायर परचेस है, इसमें 2 चीजों में चैलेंज आता है निकालना, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और एक होता है मिसिंग इंस्टॉलमेंट। सबसे ज्यादा चैलेंज आता है मिसिंग इंस्टॉलमेंट निकालना। तो जितने भी आपके बुक में सम है उसमें जितने भी ऐसे समय जिसमें मिसिंग इंस्टॉलमेंट रहे उसको निकालने का तरीका निकालो, कैसे मैं निकाल सकता हूँ, कितना जल्दी निकाल सकता हूँ। अगर आपको मिसिंग इंस्टॉलमेंट निकालना आ जाता है तो आपका एग्जाम में ये तो समझ लो कि 40% 60% तक का समय हो जाएगा, क्योंकि अगर कहीं कहीं चैलेंज सिर्फ मिसिंग इंस्टॉलमेंट का आया, ठीक है। उसके बाद आपका मेंटेनेंस वाला भी एक आता है, वो मेंटेनेंस वाला मैंने एक वीडियो डाल दिया है, तो वो आप देख लेना कि मेंटेनेंस अगर रिजर्व अकाउंट आता है तो किस तरह से बनता है,
ठीक है। और बाकी अकाउंट आपके मशीन अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेलर अकाउंट, ये कैसे बनता है, अगर आपने मेरे टोटल 10 वीडियो, 10 से 15 वीडियो मैंने अपलोड किया, आई थिंक 15 वीडियो अपलोड किए हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरे 5 वीडियो भी देख लेते हो ना, तो आपको ये सारे अकाउंट बनाना आ जाएंगे, ठीक है। सबके सब अकाउंट आपको बनाना आ जाएंगे, ठीक है। तो हायर परचेज पे हमें क्या करना है, एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैसे निकालनी है वो अच्छे से देखना है, उसके बाद मिसिंग इंस्टॉलमेंट कैसे निकालनी है वो देखना है। सारे सब में अगर मिसिंग इंस्टॉलमेंट में बहुत प्रैक्टिस करो, बहुत प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगा, ठीक है। फिर वो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं लाएगा। अब रिप्लेसमेंट अकाउंट में मैंने टोटल 3 वीडियोस अपलोड किए, वो आप अच्छे से फटाफट से देख लो, उसके बाद जितने भी समय उसकी ओरल कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दो अभी से, तो आपका रिप्लेसमेंट अकाउंट में भी चैलेंज नहीं आएगा। अब हमारा सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपका असाइनमेंट के क्वेश्चंस है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, वो सब कर दीजिए। और ओल्ड पेपर्स मैंने आपको कहा था, मैंने व्हाट्सएप नंबर आगे शेयर किया है, यही वीडियो में आगे स्टार्टिंग में शेयर कर दिया, मैं यहाँ पे भी लिख ही देता हूँ। इस नंबर पे अगर आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको ओल्ड पेपर्स भी शेयर कर दूंगा। और इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो ऊपर जो चैप्टर्स है, इसके अगर इम्पोर्टेंट सम चाहिए तो भी आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। मेरा पूरा एक मैसेज टैग किया हुआ है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब अकाउंटिंग में इकोनॉमिक्स में आपको आंसर कैसे लिखना है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। कोई भी क्वेश्चन पूछते, जैसे लॉ ऑफ डायमेंशन पूछा आपसे, तो उससे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखो, उसके बाद डेफिनेशन लिखो, उसके बाद बुलेट पॉइंट्स लिखो, और उसमें नंबरिंग मत देना। अब ये बुलेट पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेनेशन करिए, और उसके बाद ट्राई करिए कि मैं 2 से 3 पेज अच्छे से भर दूं, ठीक है। तो ये आपका टोटल टारगेट है वन डे का। आपको किस तरह से एक दिन पहले, जैसे फाइनेंशियल अकाउंट आता है तो उसकी तैयारी कैसे करनी है, और बिजनेस अकाउंटिंग की कैसे तैयारी करनी है, और इकोनॉमिक्स की कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी मेरी प्लानिंग में क्या कहना चाहता हूँ, और आपके लिए हेल्पफुल बहुत रहेगी, ओके। जो स्टूडेंट्स कोचिंग नहीं जा रहे, कॉलेज नहीं जा रहे, उनके लिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा, मोस्ट हेल्पफुल वीडियो रहेगा, आप उनके साथ जरूर शेयर करना। अब हम मिलते हैं एक्सटर्नल एग्जाम के लिए, तब तक के लिए बाय।